हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे इक्विटी फंड्स के बारे में बताने वाला हूं जो 2018 में आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हो और आप इसमें इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स ले सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और जानते हैं पाँच ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो कि 2018 में इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जो फिफ्थ नंबर पे जो स्टॉक है वो है रिलायंस लार्ज कैप फंड रेगुलर प्लान। फंड हाउस रिलायंस म्यूचुअल फंड के अंदर ये आता है। इसकी कैटेगरी देखी जाए तो ये इक्विटी की लार्ज कैप है। एसेट साइज देखा था जो इसका 31 अगस्त 2018 तक 20.284 करोड़ है। बेंच मार्क ये S&P BSE 100 TRI के अंदर आता है। एक्सपेंस देखिए, देखा जाए तो रेगुलर के लिए 2.30% है और डायरेक्ट के लिए 1.28%। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट प्लान लीजिए जिसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, रेगुलर जो है उसमें आपको एक्सपेंस रेशियो 2.30 यानी कि ज़्यादा लग जाता है और डायरेक्ट में आप 1.28 यानी कि आप सेव करते हो और आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स मिलता है। और इसकी 10 ईयर्स की ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो इसने 14.05% की रिटर्न्स पिछले 10 सालों में दी है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम आपके इसके रिटर्न्स के बारे में देख लेते हैं। अगर आप इसमें SIP किए होते आज के 10 साल पहले तो आप कितने पैसे बनाते हैं हम देख लेते हैं। अगर आपने 1000 रुपये की SIP की होती तो आप 2,59,849 रुपीज़ बना लेते। 2000 की SIP की होती तो 5,19,000। 3000 की SIP की होती तो 7,79,547 रुपीज़। 4 लाख की SIP की होती तो 10,39,396। और 5 लाख की SIP की होती तो 12,99,245 रुपीज़ आप इसमें बना लिए होते फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नंबर 4 पे है SBI ब्लू चिप फंड रेगुलर प्लान। फंड हाउस है SBI म्यूचुअल फंड। इक्विटी लार्ज कैप कैटेगरी है। एसेट साइज़ देखा जाए तो 20 करोड़ 702 करोड़ की इसकी एसेट साइज़ है। S&P BSE 100 TRI के अंदर बेंचमार्क है। यहाँ भी इसकी अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो डायरेक्ट बहुत ही कम है रेगुलर के कंपैरिजन में। इसके ट्रेडिंग रिटर्न की बात करें तो पिछले 10 साल में इसने अराउंड 14.14% का रिटर्न दिया है। तो चलिए देखते हैं, अगर आप इसमें SIP किए होते आज के 10 साल पहले तो आप कितने पैसे इसमें बना चुके होते। आप अगर आप इसमें 1000 की SIP किए होते आपने तो आप इसमें 2,61,260 रुपीज़ हो गए होते। अगर आप 2000 की SIP किए होते तो 5,22,521 रुपीज़। 3000 की SIP किए होते तो 7,83,781 रुपीज़। 4 लाख की SIP अगर की होती तो 10,45,041 रुपीज़। और अगर 5000 की SIP की होती तो 13,06,302 रुपीज़ आप इसमें बना लिए होते फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लान है SBI ब्लू चिप, जिसमें कि रिस्क बहुत कम है क्योंकि ये लार्ज कैप कैटेगरी में आता है। थर्ड जो हमारा फंड है वो HDFC का टॉप 100 फंड है। ये HDFC म्यूचुअल फंड्स के अंदर फंड हाउस में आता है। इसकी कैटेगरी लार्ज इक्विटी फंड में आती है। एसेट साइज़ देखा जाए तो 15,874 करोड़ है। ये भी Nifty 100 TRI के अंदर बेंचमार्क में आती है। इसकी भी अगर हम कंपेयर करें तो रेगुलर ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट। तो आप डायरेक्ट प्लान लेना ही प्रीफर करिएगा। इसका भी 10 साल की ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो इसने 14.44% का रिटर्न दिया है। तो अगर हम SIP की बात करें, अगर आप मंथली SIP इसमें पिछले 10 साल पहले स्टार्ट किए होते 1000 रुपीज़ की, तो आप 2,66,031 रुपीज़ आपको रिटर्न्स दे चुका होता। अगर आप 2000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट किया होता आपने तो 5,32,062 रुपीज़। और 3 लाख की SIP की होती तो 7,98,094 रुपीज़। 4,000 की SIP स्टार्ट की होती तो 10,64,125 रुपीज़। और 5,000 की SIP की होती तो आपको 13,30,000 रुपीज़ का रिटर्न्स इसमें मिल जाता। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये भी एक बहुत अच्छा स्कीम है HDFC का टॉप 100 फंड, जिसने अराउंड 15% रिटर्न दिया है। तो आप प्लीज़ एक बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले जिन पाँच म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, आप भी एक बार R&D करके ही इन्वेस्ट करिएगा ताकि आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाए। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंड की तरफ और देखते हैं कि उसके रिटर्न्स कैसे हैं। तो हमारा जो नंबर 2 पे जो हमारा फंड है वो आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंट लाइन इक्विटी फंड है।
ये जो है वो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड्स के फंड हाउस में आता है। ये भी एक लार्ज कैप इक्विटी फंड है। इसकी एसेट साइज 21,880 करोड़ है। ये निफ्टी 50 TRI के अंदर आता है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर 2.18% है और डायरेक्ट 1.31%। तो एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट प्लान लेना ही प्रीफर करिए, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर इसकी 10 इयर्स की रिटर्न्स की बात करें फ्रेंड्स, तो ये 15.13% का रिटर्न्स दे चुका है। तो अगर आप 10 साल पहले इसमें SIP में इन्वेस्ट करते तो आपको 1,000 रुपीज़ की SIP आज 2,77,403 रुपीज़, 2,000 की SIP आपको 5,54,805, 3,000 की SIP 8,32,208 रुपीज़, 4,00,000 की SIP 11,009,611 रुपीज़। और अगर आप इसमें 5,000 रुपीज़ की मंथली SIP करते तो आपको ऑलमोस्ट 14,00,000 रुपीज़ का रिटर्न मिल जाता फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉप नंबर 1 म्यूचुअल फंड की तरफ, जो आपको अब तक पिछले 10 साल में सबसे अच्छा रिटर्न दे चुका है। तो हमारा नेक्स्ट जो नंबर 1 पे म्यूचुअल फंड है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 पे जो म्यूचुअल फंड है फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो ICICI का प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जो कि एक बहुत ही अच्छा फंड माना जा रहा है। तो 10 साल के रिटर्न्स की बात करें, ये फंड हाउस जो है वो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के फंड हाउस में आता है। इसकी कैटेगरी भी इक्विटी लार्ज कैप है। इसकी एसेट साइज़ की बात करें तो 19,836 करोड़ इसकी एसेट साइज़ है। ये निफ्टी 100 TRI के बेंचमार्क में आता है। और इसकी भी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर प्लान में 2.08% और डायरेक्ट प्लान में आपको 1.17% हो जाता है। और इसकी अगर हम 10 साल के ट्रेडिंग रिटर्न्स की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 17% का रिटर्न देता है दोस्तों, जो कि अब तक की सबसे अच्छे रिटर्न्स की म्यूचुअल फंड कैटेगरी में माना गया है। तो अगर आप इसमें 10 साल पहले SIP में इन्वेस्ट करते तो 1,000 की SIP आपको लगभग 3,00,000 रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाती, 2,000 की SIP 6,000 रुपीज़, 3,000 की SIP 9,00,000 रुपीज़, 4,000 की SIP 12,00,000 रुपीज़ और 5,000 की SIP 15,00,000 रुपीज़। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि आपका पैसा जो है वो ऑलमोस्ट 3 times बढ़ रहा है, यानी कि 1,000 के 3,00,000, 2,000 के 6, 3,000 के 9, 4,000 के 12 और 5,000 के 15,00,000, यानी कि 3 गुना आपका पैसा बढ़ा हुआ है, 3,000 times। तो दोस्तों ये 5 म्यूचुअल फंड्स थे जो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स पिछले 10 साल में दिए हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो और आपको इन्वेस्टमेंट करने में इससे हेल्प मिले। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी प्रॉपर आइडिया मिल सके कि कौन सा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने में उन्हें ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।